अचानक का सुसाइड ड्रामा। घर में झनक को लेकर शुरू हुआ हंगामा। बड़ी अनिरुद्ध की परेशानी। स्टार प्लस के सीरियल झनक में अनिरुद्ध के घर में हर दिन झनक को लेकर आए दिन ड्रामे होते रहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। असल में अनिरुद्ध के पापा ने अनिरुद्ध को झनक के साथ देख लिया है। ऐसे में उन्होंने सभी से सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर झनक कहां गई थी। झनक से तो उनको जवाब नहीं मिला और अब वो जानना चाहते हैं अनिरुद्ध से कि ऐसा कौन सा काम है कि सिर्फ अनिरुद्ध और छोटन को पता है। इसी बात को लेकर अनिरुद्ध के पापा हंगामा मचा रहे हैं। वो लड़की, वो मेल मुझे उल्टा जवाब देती है। सवाल किया तो कहती है कि अपने बेटे से पूछो मैं कहां गई। अब अपने ही घर में एक बाहर वाले की बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे। मैं ना झनक को बुला कर लूंगी, उसे भी तो होना चाहिए यहां पे। पता नहीं कमरे में बंद होके महारानी क्या कर रही है। घर की मेल है कि घर की बहू है? विपाशा, ये क्या बोलने जा रही हो तुम? दोबारा ऐसी घटिया बात कभी मत करना। काकी मां, मैं इसके एटीट्यूड की बात कर रही हूं। आप देखिए ना, काम काज छोड़ के कैसे ऊपर आराम कर रही है। मैं अभी बुला के लाती हूं झनक को। क्या सर, मुझे बोली आज पर ड्रामा कर चुकी है ये पहले भी। और हनी, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप गलत कर रही हैं इसलिए फर्क पड़ रहा है। गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। तू बस इतना जवाब दो, ये कहां गई थी? पापा, इसका पर्सनल काम था। क्या सा काम, कैसा काम? पर्सनल शब्द का क्या मतलब होता है? ओ इंटरेस्टिंग, तुम जान सकते हो, छोटा जान सकता है, लेकिन हम नहीं जान सकते। ये किससे बातें शेयर करेगी, किससे नहीं करेगी, इसकी मर्जी है ना बाबा। अच्छा, इसकी मर्जी है, किसी और घर में जाकर रहे। इस घर में रहना है तो हमारा तरीका फॉलो करना होगा। इसे इसे सब कुछ सच सच बोलना पड़ेगा। सिचुएशन तो जैसे कि आपको पता है कि झनक कुछ भी कांड करती है, कुछ भी उससे हो जाता है, और घर वाले सारे अनी को ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं क्योंकि अनी लाया है उसको। तो अभी फ़िलहाल झनक कहीं पे तो गई है और उसे छोटन ने ऐसा बोला है कि उसको हेल्प करने के लिए, बुक सेल करने के लिए जा रहे हैं। पर इवेंचुअली सबको पता लग रहा है कि वो लोग वो काम के लिए नहीं गए थे, कुछ दूसरे काम के लिए गए थे। तो फिर से अगेन सबने झनक को ढेर सारी बातें सुना दी और उसके बाद अभी जो सीन कर रहे हैं उसमें पता नहीं क्या हुआ है, पर हम देख रहे हैं कि झनक बीमार है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। और वैसे में बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की, पर ऑब्वियसली अनिरुद्ध आता है, उसको लेके जाता है और छोटन को बोलता है कि डॉक्टर को फ़ोन करो, कुछ तो गड़बड़ है। भाई, यहाँ तो सभी ने मिलकर अनिरुद्ध के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी है और वहाँ झनक अपने आप को संभाल नहीं पा रही। असल में झनक खुद इन सबके सवालों से इतना परेशान हो गई है कि उसने नींद की गोलियां खा ली है, जिसके चलते वो यहाँ सीधी खड़ी नहीं हो पा रही। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, झनक के मुंह से झाग निकलने लगता है और ये देख अप्पू और अनिरुद्ध दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अरे क्या कहूँ, क्या कहूँ, तुम संभाल सकते हो अपने बेटे को? पर काकू, ये लड़की कहाँ से आई कि उसे झाग निकला है? किसे पता, पर्सनल काम था। पता नहीं ऐसा क्या काम किया कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई। इनफ ऑफ दिस स्टफ, झनक को यहाँ से निकालना होगा, वो यहाँ नहीं रह सकती। अगर इस घर में रही तो इस घर की शांति भंग हो जाएगी। अब देखिए स्टोरी कैसे मोल्ड हो रही है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता है, पर अभी जो हो रहे हैं कि अनिरुद्ध का जो फीलिंग्स वो भी धीरे धीरे थोड़ा दिख रहा है और उसके साथ साथ उसकी आरशी के साथ शादी भी बहुत ही करीब आ गई है, तो इसी लेके वो तनाव में खुद भी है। और अप्पू का तो उस पर ज़्यादा कोई वो नहीं है, पर अप्पू जो करती है, अप्पू ने इससे पहले भी एक सीन में बोला है कि अप्पू ने सपना देखा है कि झनक के साथ अनिरुद्ध की शादी हो रही है, तो ये सब हरकतें वो करती रही है। और बीच में कुछ कुछ ऐसा भी कभी कभार बोल देती है जो वैसे तो मानो तो बकवास होता है, पर दर्शकों को समझ में आता है कि समथिंग इज कनेक्टेड, तो ऐसा टाइप का। और उसी किसी किसी बात में, जैसे इसी सीन में एक बात मैंने
बोली है कि मैंने देखा है झनक को, मैंने घूंघट उठा के देखा है झनक के साथ तेरी शादी हो रही है, तो ये सब सुन के झनक तो ऑकवर्ड होती है, पर अनिरुद्ध को भी जैसे कि उसको ऑलरेडी कुछ तो फीलिंग आया है, तो वो थोड़ी बहुत इंजॉय भी करता है ये. सो ये सभी चल रहा है अभी. खुद अनिरुद्ध को ही नहीं बल्कि घर वालों को भी झनक को लेकर अनिरुद्ध की परेशानी देखकर ये यकीन होने लगा है कि इनके बीच में कोई न कोई रिश्ता है. अब देखना होगा कि इनकी शादी का सच क्या सभी घर वालों के सामने आ जाएगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. एक बार फिर आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.